बीएचयू नर्सिंग के छात्र बैठे धरने पर। बीएचयू नर्सिंग के छात्र परीक्षाओं को कराने की मांग पर बैठे धरने पर। हॉस्टल आवंटन और एमएससी की कक्षाएं चलाने के लिए फैकल्टी की मांग। नर्सिंग के छात्रों के धरने पर बैठने की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई। नर्सिंग डिपार्टमेंट के बाहर छात्र बैठे धरने पर। सेमेस्टर परीक्षाओं में देरी एवं अन्य प्रमुख मुद्दों के साथ बैठे धरने पर। मेरा नाम अभिजीत कुमार चौबे है, मैं बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर का यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। हम लोगों ने धरना इसलिए किया है क्योंकि हमारा 2018 से इवन 2013 से भी हम लोग का मांग था कि हमारा यहाँ पे फैकल्टी बनाया जाए, हमको हॉस्टल दिया जाए हमारे बच्चों को, हमारा एक अपना फैकल्टी हो, हमारे यहाँ एमएससी नर्सिंग हो, हमारा एक अपना प्रिंसिपल हो। लेकिन ये मांग हमारी तब से नहीं पूरी की गई है और लगातार हमको बस केवल एश्योरेंस दिया जाता है कि नहीं अब आपकी मांग पूरी हो जाएगी एक साल दो साल, लेकिन हमारी मांग पूरी होती नहीं है। जब हमने लास्ट ईयर 2018 में धरना किया था उस समय हमको मांग जब हमारी ये थी कि हमारी एक फैकल्टी बनाई जाए, हमारे यहाँ एमएससी नर्सिंग ओपन किया जाए, तो हमें एक आश्वासन दिया गया था कि हम लोग जल्दी से जल्दी इसको कर देंगे। इसके बाद फिर कोविड आया तो हम लोगों ने यहाँ के प्रशासन की बातों को माना और इसलिए हम लोग शांत रहे। लेकिन अभी क्या है ये सिनेरियो कि ये हमारी बातों को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है और इसके बाद हमारा सेशन डिले हो रहा है। तो मेन यहाँ पे मुद्दा हमारा एक तो हमारा यहाँ पे फैकल्टी ओपन हो, हमारा अपना डिपार्टमेंट हो, हमारा अपना एमएससी हो यहाँ पे, और दूसरा अभी हमारा जो डिमांड है कि बच्चों का सेशन डिले किया जा रहा है, अननेसेसरी डिले किया जा रहा है। 4 साल के कोर्स को 4.5 साल ऑलरेडी कर चुके हैं, अब उसको 5 साल लेके जाया जा रहा है और बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, अटेंडेंस को लेकर डराया जाता है कि अगर तुम लोग अपनी मांग रखोगे तो तुम्हारी अटेंडेंस के लिए बोला जाता है। इससे बच्चे जो है डरे हो जाते हैं और डर के मारे वो बोल नहीं पाते कि उनकी क्या मांग है। तो आज हम लोग इसीलिए बैठे हुए कि हमको डराया ना जाए, हम यहाँ पे आए हैं, हम यहाँ पे फ्री में सेवा करते हैं और सबसे ज्यादा अगर पूरे इंटायर हॉस्पिटल में अगर हम नर्सेस हैं जो पूरे 8 घंटे इंटर्न की सेवा देते हैं, 5 घंटे हम लोग कॉलेज के आवर के बीच में जाके ये सेवा देते हैं, तो इतना सब कुछ करने के बाद हमको क्यों इतना नेग्लेक्ट किया जाता है? अगर हमको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा, हमारे जूनियर से उनको हॉस्टल नहीं दिया जाता है। अब होता यह है कि सुबह से हमारी पोस्टिंग लगती है, 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, बिना खाए आकर के यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। और जबकि हमारी INC जो हमारी गवर्निंग बॉडी है उसने ये बात बोला है क्लियर कि सारे बच्चों को हॉस्टल मिलना चाहिए, लेकिन अभी भी नहीं मिला। यहाँ पे ये बोल देते हैं कि नहीं हॉस्टल नहीं दिया जाएगा नर्सिंग के बच्चों को। तो हमारा मांग यही है कि नर्सिंग के बच्चों को इतना क्यों उपेक्षित किया जा रहा है? अगर हम ये डिजर्व नहीं करते तो हमें बताया जाए। हम अगर ड्यूटी करते हैं तब हमसे बोला जाता है कि तुम्हारा धर्म है, तो क्या ये कॉलेज प्रशासन का धर्म नहीं है, विश्वविद्यालय का धर्म नहीं है कि हम बच्चों को बचाया जाए? हमारी जितनी मांग है, हमको हॉस्टल दिया जाए, अच्छा खाना दिया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, हमारा एग्जाम समय से कराया जाए, हमारी अच्छी फैकल्टी हो, क्या ये हमारा मांग नहीं है? इसीलिए हम लोग 2018 में बैठे, तब नहीं पूरा हुआ, इसी को आज कंटिन्यू करते हुए उसी स्ट्राइक को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं आज।